अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास है बच्चों सेवंथ। सब्जेक्ट आ गया आज मैथ। टॉपिक आता बच्चों रेशनल नंबर्स। ये बच्चों चैप्टर नंबर है 9। तो सबसे पहले बच्चों असी डिफाइन कर सा व्हाट इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर की चीज है। रेशनल नंबर को असी उर्दू में कहते हैं बच्चों नातिक अदद। नातिक अदद किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे अदद बच्चों जड़े पी बटा क्यू की शक्ल बच हो उनको आखते हैं नातक अदद। कोई भी ऐसा अदद जड़ा बटे की शक्ल बच है जैसे पी बटा क्यू, इसको असी इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3 बचो, 4/5 है, 6/7 है, 9/13 है, ये सारे हो गए बच्चो रेशनल नंबर्स। असें गाइस और भी पढ़ सा तो सबसे पहले असं इसकी डेफिनेशन लिख सा रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर आखते हैं बच्चों ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, दैट कैन बी एक्सप्रेसड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. थोड़ा जा बच्चों ध्यान नाल सुनिए उसका। इतना तो तुसों को समझ आ गया सी कि कोई भी अदद जड़ा बटे दी शक्ल बच होवे पी बटा क्यू तो उसको रेशनल नंबर आखते हैं। और एक पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इतना बच्चों एक शर्त है जड़ा क्यू है, क्यू क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी उतना जीरो हो सकता है लेकिन तला जीरो नहीं होना चाहिए। तो असं इतना रेशनल नंबर की एग्जाम्पल्स लिख सा P by Q, इसको तुसी P दी जाई कोई भी अदद लिख सकते हो, 1/Q दी जाई 3, 1/3 हो गया, 7/9 हो गया, 13/14 हो गया, 0/10 भी हो सकता है बच्चो, और -1/4, -7/3, 8/-2 इस तरह भी लिख सकते हो एटसेट्रा। लेकिन कोई भी अदद अगर इस तरह लिखे तो बच्चों जैसे 5/ अगर 0 हो, 7/0 हो, -3/0 हो, ये रेशनल नंबर नहीं होते बच्चों। तो रेशनल नंबर में तुम देखते हो बच्चा था दो हिस्से हो गए इसके, एक हो गया। तो रेशनल नंबर दे आगे बच्चों दो हिस्से, जैसे था 1 और 3, 1/3 जड़ा है बच्चो जड़ा ये होता था बच्चो, इसको आखते न्यूमरेटर, NUMERATOR न्यूमरेटर, और ये जड़ा तला वाला होता है बच्चो इसको आखते डिनोमिनेटर। ये दो ऐसे हो गए बच्चो, एक न्यूमरेटर है तला वाला डिनोमिनेटर है, उतर वाले को आखते शिमार कनुंदा तो तला वाले को आखते नसब नुमा। तो यह आ गया बच्चो जनरल इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स के बारे में। इस तो बाद असी इसकी एक्सरसाइज कर सा। शुक्रिया।